हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम योग निद्रा के माध्यम से मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। इससे पहले दो वीडियो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पे हमने डाले हैं। जो साधक पहले उन दो वीडियो को कर रहे हैं, कृपया वही साधक इस वीडियो पे प्रैक्टिस करें, इस योग निद्रा पे प्रैक्टिस करें, अन्यथा वो हमसे पूछ के करें या किसी अन्य योग्य व्यक्ति से पूछ के ये साधना करें। साधक की कुंडलिनी शक्ति जब मणिपुर चक्र में पहुंचती है तो वो पिछले दो चक्र मूलाधार और स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही साधक में स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, स्वयं पे भरोसा, ज्ञान, बुद्धि, सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे बहुमूल्य गुण प्राप्त हो जाते हैं। ये चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। इस चक्र पे काम करने से साधक का स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है और जीवन के दोनों सत्रों, आध्यात्मिक सत्र की ओर और भौतिक सत्र की ओर बढ़ने के लिए भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा साधक को मिलती है, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने पर साधक ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज हम मणिपुर चक्र को जागृत करने का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा का अभ्यास पीठ के बल शवासन में लेट कर किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान आपको हिलना नहीं है, बोलना नहीं है और सोना नहीं है। इस अभ्यास के दौरान शरीर के जिस भाग का नाम लिया जाएगा उस भाग पर केवल अपना ध्यान लेकर जाना है, उसे हिलाना बिल्कुल नहीं है। आज हम सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा करेंगे। किसी भी आरामदायक जगह पर आप लेट जाएं, ऐसी जगह जहां पे कोई आता जाता ना हो। इस योग निद्रा के सेशन के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर लेट जाएं। बंद कमरे में कर सकते हैं, खुली जगह पर भी कर सकते हैं। आंखों को बंद कर लें, शवासन में आपने लेटना है, बाजू दोनों साइड में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, हाथों की उंगलियां भी आपस में टच ना करें, पांव खुले हुए, दोनों पांव में लगभग एक या डेढ़ फुट की दूरी। मौसम के अनुसार वस्त्र पहने, वस्त्र ढीले ढाले होने चाहिए, कसाव नहीं होना चाहिए, और मौसम के अनुसार कंबल इत्यादि अपने साथ में रखें। अपने शरीर को हर तरीके संयत कर चेक कर ले अपने शरीर को, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, और अपने शरीर को हर तरीके से संयत करके हम अभ्यास को शुरू करेंगे। शवासन में आप लेटे हैं, योग निद्रा का अभ्यास आप कर रहे हैं। आंखों को बंद कर लीजिए और इस अभ्यास के पूरा होने तक आंखों को बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। अपने ध्यान को बाहर आती जाती आवाजों की ओर लेके जाइए। कोई भी आवाज जहां आप लेटे हैं, दूर से आती हुई कोई भी आवाज पे अपना ध्यान लेके जाएं। दूर से आती हुई आवाज को समझने की कोशिश नहीं करनी है, केवल अपना ध्यान उस आवाज पर
लेके जाना है। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर ध्यान को लेकर जाना है। अब अपना ध्यान इस कमरे में आती हुई आवाजों की ओर लेके जाइए। जहां आप लेटे हुए हैं उसके आसपास आती हुई आवाजों की ओर लेके जाइए। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर ध्यान को लेकर जाना है। हिलना नहीं है, सोना नहीं है। अब अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में लेके आइए। दोनों आंखों के बीच देखते हुए जहां पे आज्ञा चक्र है, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा दें। दोनों आंखों के बीच देखते हुए मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण करें। बोल के नहीं करना है, मन ही मन करना है। अपने धर्म अनुसार मंत्र को बोल बदल भी सकते हैं। बोलकर नहीं करना, मन ही मन करना है। 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। अब अपना ध्यान चारों दिशाओं की ओर लेके जाएं, या जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं उस कमरे की चारों दीवारों की ओर लेके जाएं। अपना ध्यान अपने राइट साइड की ओर लेके जाएं, लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएं, सिर के पीछे की ओर दीवार की ओर लेके जाएं, पांव की तरफ दीवार की ओर लेके जाएं। अब अपना ध्यान इस कमरे की छत की ओर लेके जाएं या आकाश की ओर लेके जाएं। बंद आंखों से कमरे की छत को या आकाश को देखने की कोशिश करें। जोर नहीं लगाना है, केवल बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी है। ध्यान को छत की ओर या आकाश की ओर लेके जाना है। अब अपना ध्यान जहां आप लेटे हैं इस जगह पर लेके आए। जिस भी स्थान पर बिछोना बिछाकर आप लेटे हैं, स्वयं को इस कमरे में या इस जगह पर योग निद्रा करते हुए देखिए। योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, इस स्थान पर आप लेटे हुए हैं, स्वयं को लेटा हुआ देखिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। योग निद्रा के अभ्यास से पहले एक संकल्प लेना होता है। ये संकल्प वो शब्द हैं जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जो भी आपकी चाहत है, उस चाहत को शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में 3 बार अपने आप से कहिए। ऐसी मान्यता है और ऐसा हमारा अनुभव है कि योग निद्रा के दौरान लिया हुआ संकल्प अक्सर जिंदगी में फलीभूत होता है। 3 बार स्वयं से कहिए, खुद से कहिए, अपने संकल्प को कहिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। अपने ध्यान को शरीर की राइट साइड की ओर लेके आइए। राइट हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हाथ के पीछे का हिस्सा, कलाई, बाजू के नीचे का हिस्सा, कोहनी, बाजू के ऊपर का हिस्सा, कंधा, कंधे के पीछे का हिस्सा, बगल, पेट के ऊपर का हिस्सा राइट साइड, पेट के नीचे का हिस्सा राइट हिप, थाई,
घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तालू, राइट पांव का ऊपर का हिस्सा, राइट पंजा, पूरा राइट पांव, पूरी राइट लेग, शरीर का पूरा राइट हिस्सा। अब अपने ध्यान को शरीर के लेफ्ट हिस्से की ओर लेके जाएं। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, लेफ्ट हैंड पाम, हाथ के पीछे का हिस्सा, कलाई, बाजू के नीचे का हिस्सा, कोहनी, बाजू के ऊपर का हिस्सा, कंधा, कंधे के पीछे का हिस्सा, बगल, कमर के ऊपर का हिस्सा, लेफ्ट साइड, कमर के नीचे का हिस्सा, लेफ्ट हिप, थाई, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तालू, पांव के ऊपर का हिस्सा, लेफ्ट पांव का पंजा, पूरा लेफ्ट पांव, पूरी लेफ्ट लेग, पूरी लेफ्ट साइड। अब अपने ध्यान को शरीर के पिछले हिस्से की ओर लेके आइए। लेफ्ट हिप, राइट हिप, कमर का राइट साइड, लेफ्ट साइड, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे की ओर, गर्दन के पीछे का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, जहाँ पे आज्ञा चक्र है, सिर के पीछे का हिस्सा, सिर के ऊपर का हिस्सा, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, माथा, लेफ्ट आईब्रो, राइट आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच का स्थान जिसको कुठुस्थ बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट आईलिड, लेफ्ट गाल, राइट गाल, नोज, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, टीथ, टंग, ठुड्डी, गला, छाती, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बीच का भाग, पेट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, पेट का बीच का भाग, नाभि और नीचे जेनिटल ऑर्गन्स, दोनों पांव एक साथ, दोनों लेग्स एक साथ, दोनों हैंड एक साथ, दोनों बाजू एक साथ, दोनों हिप्स एक साथ, धड़, शरीर, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ देखिए, एक ही नज़र से देखिए। अब अपना ध्यान रूट चक्र मूलाधार पे लेके जाइए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, कुठुस्थ पे आ जाइए दोनों आंखों के बीच में, फिर से कुठुस्थ, थर्ड आई, सहस्त्रार चक्र,
आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। फिर से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, थर्ड आई। थर्ड आई, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। फिर से करेंगे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, कुठुस्थ, कुठुस्थ, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार पे रेड कलर को देखेंगे, स्वाधिष्ठान पे ऑरेंज कलर के फ्लावर को महसूस करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र के चारों ओर, जहां पे स्वाधिष्ठान चक्र है उसके चारों ओर ध्यान को घुमाएंगे और ऑरेंज कलर महसूस करेंगे। फिर नेवल के पास मणिपुर चक्र, नाभि के पास येलो रंग का फ्लावर को महसूस करेंगे, ध्यान को घुमाएंगे नाभि के चारों ओर वाले एरिया पे। फिर अनाहत चक्र, ग्रीन कलर का फ्लावर है उसको घुमाएंगे, ध्यान को इस पे हर्ट चक्र के आसपास। फिर थ्रोट चक्र, ब्लू कलर का फ्लावर है, गले के चारों ओर घुमाएंगे ध्यान को, गले के चारों ओर ध्यान को घुमाएंगे। इंडिगो, दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है उसके और उसके बिल्कुल पीछे चारों ओर ध्यान को घुमाएंगे, इंडिगो कलर की कल्पना करेंगे। सहस्त्रार चक्र, वायलेट कलर, वायलेट कलर जो डीप ब्लू कलर आपको ध्यान में दिखाई देता है उस कलर की कल्पना करनी है अभी सहस्त्रार चक्र पे। फिर से सहस्त्रार, वायलेट कलर, थर्ड आई पे इंडिगो कलर, विशुद्धि पे ब्लू कलर, अनाहत पे ग्रीन कलर, मणिपुर पे येलो कलर, स्वाधिष्ठान पे ऑरेंज कलर, मूलाधार पे रेड कलर। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे लेके आइए, नाभि के आसपास के एरिया पे, मणिपुर चक्र पे लेके आइए, मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र के चारों ओर अपने ध्यान को घुमाइए। मणिपुर चक्र के चारों ओर गोलाई में अपने ध्यान को घुमाइए, पेट की ओर साइड में ले जाते हुए पीछे कमर, पूरी कमर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड पेट की ओर, इस तरीके से ध्यान को घुमाइए मणिपुर चक्र। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, आराम आराम से, प्यार प्यार से ध्यान को घुमाइए क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब
नाभि पे ध्यान लेके आइए, फिर से जहां नेवल है वहां पे ध्यान लेके आइए और नेवल के बिल्कुल बैक साइड में ध्यान लेके जाइए कि जैसे पेट के अंदर से ही आप ध्यान लेके जा रहे हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रहे हैं कि एक लाइन है नेवल के बीच में से जा रही है और रीढ़ की हड्डी में पहुंच रही है। इस तरीके से ध्यान को घुमाइए, नेवल के अंदर ध्यान पे लेके जाइए, रीढ़ की हड्डी के पीछे तक, फिर वापसी नेवल तक। यहां पे येलो कलर की अनुभूति, येलो कलर की ऊर्जा, पीले रंग की, उसको बराबर बनाए रखिए, बराबर बनाए रखिए। ध्यान को नाभि पे लेके आइए, फिर से ध्यान को नाभि के चारों ओर घुमाइए। अब नाभि के चारों ओर घुमाना है, पहले नाभि से कमर के पीछे की ओर लेके जा रहे थे, वैसे नहीं करना है, केवल नाभि के चारों ओर ध्यान को घुमाना है। सोना नहीं है, हिलना नहीं है, नाभि के चारों ओर ध्यान को घुमाइए। फिर से नाभि के अंदर ध्यान को लेके जाइए, जैसे कि आप नाभि के माध्यम से नाभि के अंदर घुस रहे हैं अपने शरीर में, और रीढ़ की हड्डी पे जाके महसूस कीजिए मणिपुर चक्र की प्रेजेंस को। किसी प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं तो उनको महसूस कीजिए। यहां पे पीले रंग का एक फूल है कमल का, जिसकी 10 पत्तियां हैं, पंखड़ियां हैं, 10 पंखड़ियां हैं। ये फूल बंद है इस वक्त, इस फूल को देखिए नाभि वाली जगह पे, पूरा ध्यान इस पे अप्लाई कर रहे हैं और इस के अंदर एक उल्टे रंग की ट्रायंगल है, त्रिकोण आकृति, लाल रंग है उस आकृति का, उल्टे रंग की ट्रायंगल है जो इसका सिंबल है, पीला रंग है इसका, अग्नि तत्व है यहां पे, 10 पत्तियां हैं फ्लावर की, फूल की। ध्यान से देखिए 10 पत्तियों को, फूल बंद है, बंद फूल के अंदर इसका सिंबल उल्टा त्रिकोण है। अभी ध्यान की मदद से और इसका जो मंत्र है रम, उसकी मदद से हम इस फूल को खोलेंगे। आपको बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा, आपको वाइब्रेशन देने हैं ध्यान के माध्यम से इस जगह पर। रम 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 जैसे जैसे हमने मंत्र का उच्चारण किया, फूल खुलना शुरू हो गया। पूरे ध्यान को इस पे लगाइए और ये फूल पूर्णतया खुल जाएगा। फिर से हम रम मंत्र की हेल्प से पूरे ध्यान को इस फूल पे लगाएंगे। पूरा ध्यान इस फूल पे लगा दीजिए, पीले रंग का फूल है, नाभि वाली जगह पे रखा हुआ है। कल्पना कीजिए जैसे जैसे हम रम मंत्र बोलते जा रहे हैं, फूल खुलता जा रहा है। अब मैं फिर से मंत्र बोलूंगा, ये फूल पूर्णतया खुल जाएगा। आपको इस बात को महसूस करना है नाभि के चारों ओर। रम 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 रम
जो सिंबल है फ्लावर का खुल चुका है। वाइब्रेशन अगर आपको हो रहे हैं तो उन वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। इस फूल के अंदर एक ट्रायंगल है, उल्टी ट्रायंगल, अग्नि तत्व का सिंबल है वो। ध्यान से देखिए। अब पूरे के पूरे वाइब्रेशन इस फूल पे आपको महसूस करने हैं और सारा ध्यान इस फूल की पंखुड़ियों पे लगाना है। 10 पंखुड़ियां हैं। पहली 2 पंखुड़ियों पे ध्यान लेके जाइए। पहली 2 पंखुड़ियों पे, पंखुड़ी नंबर 1 और पंखुड़ी नंबर 2, इस तरह की 10 पंखुड़ियां हैं। पहली 2 पंखुड़ियों पे एक साथ ध्यान लेके जाइए, वाइब्रेट कीजिए ध्यान से। वाइब्रेशन कई बार शुरुआत में महसूस नहीं होते हैं तो आप केवल ध्यान लेके जाएं कि इस फूल की 2 पंखुड़ियों पे आप ध्यान कर रहे हैं। केवल 2 पंखुड़ियों पे ध्यान लेके जा रहे हैं, पीले रंग की फूल की 2 पंखुड़ियों पे, और जगह मणिपुर चक्र नाभि का स्थान। वाइब्रेट करने की कोशिश कीजिए, वाइब्रेट कीजिए, वाइब्रेशन दीजिए पहली 2 पंखुड़ियों पे। अब ध्यान से वाइब्रेशन दीजिए, अगली 2 पंखुड़ियों पे जाइए, पंखुड़ी नंबर 3, पंखुड़ी नंबर 4, पूरा ध्यान इन 2 पंखुड़ियों पे लगा दीजिए और इन पंखुड़ियों को वाइब्रेट कीजिए। जैसे जैसे हम वाइब्रेशन महसूस करेंगे वैसे वैसे इन पंखुड़ियों में जो विकार छुपे हुए हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब पंखुड़ी नंबर 5 और 6 पे जाइए, केवल 2 पंखुड़ियां, पंखुड़ी नंबर 5 और 6 को देखिए, वाइब्रेशन देने की कोशिश कीजिए ध्यान के माध्यम से। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आप ध्यान डाल रहे हैं वैसे वैसे ये 2 पंखुड़ियां, पंखुड़ियां नंबर 5 और 6 वाइब्रेट होनी शुरू हो रही हैं। केवल आपके ध्यान मात्र से वाइब्रेट हो रही हैं। ध्यान डालिए, अब पंखुड़ी नंबर 7 और 8 पे ध्यान लेके जाइए। वैसे ही जैसे पिछली पंखुड़ियों को वाइब्रेट किया है ध्यान डालकर, सारा का सारा ध्यान पंखुड़ी नंबर 7 और 8 पे डाल दीजिए। वाइब्रेशन अपने आप होंगे, शुरुआत में हो सकता ना हो लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप होंगे। ध्यान से इन 2 पंखुड़ियों को देखिए, पीले रंग की पंखुड़ियां हैं, पीले रंग का फूल है, मणिपुर चक्र के एरिया में, नाभि के एरिया में। अब पंखुड़ी नंबर 9 और 10 अंतिम पंखुड़ियां, दोनों पे एक साथ ध्यान लेके जाइए, दोनों पे एक साथ ध्यान लेके जाइए। उसी तरीके से पंखुड़ी नंबर 9 और 10 को भी वाइब्रेट कीजिए ध्यान से, जैसे पिछली पंखुड़ियों को किया है। ध्यान की शक्ति से वाइब्रेट कीजिए, ध्यान की शक्ति से वाइब्रेट कीजिए। अब पूरे फूल को वाइब्रेट कीजिए, पूरे फूल को वाइब्रेट कीजिए, पूरे फूल को वाइब्रेट कीजिए। ध्यान जब डालेंगे इस चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, वाइब्रेशन अपने आप होंगे। आपको केवल ध्यान डालना है मणिपुर चक्र पे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी यहाँ बढ़ेगी वैसे ही वाइब्रेशन अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेट कीजिए। अब महसूस कीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार चक्र से पैदा होती है, मूलाधार चक्र के बिल्कुल बीचों बीच उसमें ऊर्जा निकलनी शुरू हुई है और स्वाधिष्ठान चक्र को क्रॉस करती हुई
मणिपुर चक्र जिस पे आपका ध्यान था अभी वहां तक पहुंचिए। यहां से सुषुम्ना में ऊर्जा ऊपर के चक्र अनाहत की ओर जा रही है, अनाहत से विशुद्धि की ओर, विशुद्धि से आज्ञा की ओर, आज्ञा से शस्त्रार की ओर, शस्त्रार से कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल रही है। सुषुम्ना में प्राण फ्लो होना ही हर साधक का लक्ष्य होता है। सुषुम्ना में प्राण फ्लो हो रहा है, मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी, फिर से मूलाधार चक्र पे जाइए, बिल्कुल बीचों बीच मूलाधार चक्र के स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के बिल्कुल बीचों बीच होते हुए मणिपुर, मणिपुर के बिल्कुल बीचों बीच होते हुए अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार, सहस्त्रार से कॉस्मिक एनर्जी के साथ स्वयं को मिला दीजिए। प्राण शक्ति जो हर जगह विराजमान है उसके साथ स्वयं को मिला दीजिए। फिर से मूलाधार, बिल्कुल बीचों बीच प्राण शक्ति को उठाना है, सुषुम्ना को उठाना है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मणिपुर चक्र जितना स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया तरीके से कुंडलिनी जागरण होगा। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार से ऊर्जा को विलीन कर दीजिए, कॉस्मिक वाइब्रेशन में मिला दीजिए, ताकि कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में फ्लो करे। फिर से मूलाधार, बिल्कुल बीचों बीच आपने ऊर्जा को उठाना है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपकी सुषुम्ना में उठा हुआ प्राण जो हर जगह उपलब्ध है मिल रहा है, और वो प्राण वायु शुद्ध होगे सहस्त्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में जा रहा है। पूरे शरीर में प्राण वायु को महसूस कीजिए, कंपन को महसूस कीजिए। सहस्त्रार चक्र के माध्यम से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर के अंदर जा रही है, पूरे शरीर की एक एक सेल के अंदर जा रही है। जहां भी कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, हर चीज को शुद्ध प्राणवायु शुद्ध कर रही है। महसूस कीजिए प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में महसूस कीजिए। पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है प्राण ऊर्जा से, एक एक सेल तक पहुंच रही है प्राण ऊर्जा, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर रहा है, पूरा शरीर, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा को महसूस कीजिए। मणिपुर चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से और मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी रोग है सब के सब विलीन हो रहे हैं, सब के सब विलीन हो रहे हैं। प्राण ऊर्जा को भरपूर मात्रा में लीजिए सहस्त्रार चक्र से, कॉस्मिक वाइब्रेशंस भरपूर मात्रा में सहस्त्रार चक्र से लीजिए, अपने अंदर पूरे शरीर में ग्राहित कीजिए, ग्रहण कीजिए, एक एक सेल में महसूस कीजिए प्राण ऊर्जा के वाइब्रेशंस। अब कुछ क्षण शांत रहिए, शरीर में होने वाली हलचल को देखिए। हलचल को देखिए, हिलना नहीं है, सोना नहीं है, शांत रह के शरीर में होने वाली हलचल को देखिए।
अब अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेके आइए। उस संकल्प को याद कीजिए जो आपने योग निद्रा के अभ्यास से ठीक पहले स्वयं से 3 बार कहा था। उन्हीं शब्दों में फिर से 3 बार उस संकल्प को कहिए पूरी भावना के साथ। अब स्वयं को एक्सटर्नलाइज करना है। फिर से अपना ध्यान इस कमरे की या जहां आप लेटे हुए हैं उसकी चारों दिशाओं की ओर लेके जाइए। राइट की ओर ध्यान लेके जाएं, बाहर अब चेतना को लेके आना है, बाह्यमुखी करना है। लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएं, सिर की पिछली साइड की ओर लेके जाएं, पांव की ओर लेके जाएं और अपने शरीर के चारों ओर चेतना को घुमाएं। देखिए जहां आप लेटे हुए हैं वहां पे क्या क्या था, आपके चारों ओर क्या क्या पड़ा है, एक्सटर्नलाइज करें। या कौन आपके बाजू में लेटा हुआ है अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो। और अपना ध्यान इस कमरे में या दूर से आते हुए आवाजों की ओर लेके जाएं, एक्सटर्नलाइज करें स्वयं को, बाह्यमुखी करें स्वयं को। ध्यान लेके जाएं बाहर आती हुई आवाजों की ओर। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पांव की उंगलियों को हिलाएं, हरकत करें शरीर में, अंगड़ाई भी ले सकते हैं। और हिलने का मन ना कर रहा हो तो लेटे भी रह सकते हैं। एक्सटर्नलाइज करना है अब अपने आप को। और आंखों को बंद रखते हुए जब जी चाहे अपनी जगह पे उठकर बैठ जाएं और जितना देर दिल चाहे ध्यान करें, गहरे ध्यान में डूब जाएं। योग निद्रा का अभ्यास अब समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।